वापस लिए हैं, इससे सरकार की कमजोरी दिखाई देती है। और अब शायद मोदी साहब को यह एहसास हुआ कि वो 303 नहीं है, 240 है, और अब इसी हिसाब से आगे चीजें चलेंगी। एक बात जो बार बार आ रही है उसको मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस या यूपीए सरकारों में लेटरल एंट्री कभी भी नीतिगत रूप से नहीं आई, और ना ही कभी किसी को ब्यूरोक्रेसी में इस नीति के तहत लिया गया। ये वीरप्पा मोइली की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी की सिफारिश थी जिसको सरकार ने नहीं माना था, उन्हीं की सिफारिश को सरकार ने माना। अब अगर लेटरल एंट्री ये वापस ली है, 45 लोगों का जो विज्ञापन वापस लिया है, तो करीब 68 लोग तो राजीव जी ऑलरेडी आ चुके हैं 2018 से ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनका क्या होगा? उनके ऊपर वो कब तक रहेंगे, उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट है? उनको भी रुखसत करें वहां से, क्योंकि उसमें भी एक भी व्यक्ति, उसमें आरक्षण लागू नहीं हुआ था। और दूसरा, उसमें 37 लोग सीधे सीधे कॉर्पोरेट से आए थे, जिसकी बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक, कि अंबानी अडानी के सब थे वो कॉर्पोरेट के सीधे। मसला ये है राजीव जी कि कॉर्पोरेट को अब ये मालूम है कि मोदी जी इस वक्त बहुत ताकतवर नहीं है, और क्या पता 5 साल चले ना चले, बैसाखियों पर है, तो वो अपना सब कुछ इनसे लागू करवाना चाहती है। एक बात। दूसरी बात जो यहां बार बार कही गई कि कॉरपोरेट अब सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना चाहता है, अब वो फाइलें लेकर घूमने या लियाजन ऑफिसर के थ्रू डील करना नहीं चाहता, वो पॉलिसी एडवोकेसी के रास्ते आने नहीं आना चाहता, वो सीधे ब्यूरोक्रेसी को ओन करना चाहता है। तो ये अगर कांग्रेस ने या यूपीए ने और उनके सहयोगी दलों ने दबाव डाल के अगर ये वापस किया है, तो ये बड़ी जीत है। पहली बार कांग्रेस की बड़ी जीत है। और दूसरी बात ये कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो पहले कैसी थी अब कैसी है, ये इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। लोगों की चेतना, सामाजिक चेतना एक इवॉल्विंग है, इसका विकास होता है समय के साथ। जब मंडल कमीशन आया तो बीजेपी उसको पंक्चर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आई जिसको हम लोग मान जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आपको प्रतिनिधि देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं होगा। अब वो सोशल इंजीनियरिंग का जमाना लग रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की पार्टियां चुनाव हार रही हैं, बीजेपी के भी सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को धक्का लगा है। सामाजिक न्याय पे इनको आना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय पे नहीं आ सकते। केवल बात यही खत्म नहीं होती राजीव जी, जी आप देखिए कि पूरा बीजेपी का जो सिस्टम है, चाहे वो आरएसएस का हो चाहे बीजेपी का हो, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का 68,000 शिक्षकों का आदेश निरस्त किया है हाईकोर्ट, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसमें निपटा रहा है जी। 18,000 SC ST, 59,000 18,000 SC ST कैंडिडेट्स का आरक्षण चोरी किया गया था। 18,000 हाईकोर्ट ने अगर निरस्त नहीं किया होता तो हो जाता ये। तो हर स्तर पर ये आरक्षण का विरोध इनको करना ही है। संविधान बदल कर नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से ठीक नहीं होगा, संविधान बदलने के लिए मैंडेट नहीं है, और संविधान का वो हिस्सा बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन पीछे के रास्ते से आरक्षण को खत्म करने का पूरा काम होगा और हो रहा है। यही मोदी जी की मंशा है। और आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी कितना भी विपक्ष दबाव डाले, ये तो उन्होंने वापस ले लिया,
लेकिन जातिवार जनगणना नहीं घोषित करेंगे, जनगणना ही हो सकता है कि ना घोषित करें, जी इसी चक्कर में जनगणना नहीं करवा रहे। तो जातिवार जनगणना की घोषणा जो है वो इनसे दबाव डालना चाहिए कि जातिवार जनगणना हो, और दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया क्रीमी लेयर वाला, ये क्रीमी लेयर का फैसला भी जो है वो धीमे धीमे आरक्षण को खत्म करने का ही एक रास्ता है, और इसके खिलाफ भी कल भारत बंद है, आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुल मिला के राजीव जी ये है कि मोदी साहब इस वक्त उनके ऊपर जो एक लेबल चिपक गया आरक्षण विरोधी होने का, उस लेबल को वो तभी छुड़ा सकते हैं जब जातिवाद जनगणना की घोषणा करते हैं। बिल्कुल, कितना मुश्किल होगा ये समय। यही जो जिसकी चर्चा हम लोग राजीव जी बार बार करते हैं कि जो ब्रांड मोदी है वो किस तरीके से परत दर परत जो है वो कमजोर हो रहा है। जो 56 इंच की छाती जैसा एक, जिसको कहें कि बहुत ही पितृसत्तात्मक पुरुषवादी एक बनाया गया इमेज, 56 इंच का मर्द, ये पुरुषवादी इमेज है, और उस पुरुषवादी इमेज को लेकर आगे चल रहे थे, वो धीमे धीमे अब खत्म हो रहा। और मुझे लगता नहीं कि इस विधानसभा चुनाव तक वो ऐसा बच पाएगा कि जो वोट भी ला पाए। हमने पिछले भी देखा कि मोदी साहब ने बहुत सारा हिंदू मुसलमान किया, नफरत पूरा चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान पर लड़ा, मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान सब आया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का बताते रहे, घुसपैठिया बताते रहे, जहां जहां उन्होंने नफरत वाले भाषण दिए, इंक्लूडिंग गुजरात, वो चुनाव बीजेपी हारी है। तो इसका मतलब है कि ब्रांड मोदी और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अब नहीं चल रही है। सामाजिक न्याय या सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जो बेवकूफ बनाने की राजनीति थी वो भी अब नहीं चल रही है। अब वास्तविक रूप से आपको सामाजिक न्याय की राजनीति करनी पड़ेगी अगर आपको टिके रहना है। तो वो उनको मोदी साहब को न आरएसएस, न कॉरपोरेट, और ना ही वो जातिवादी हिंदू अपर कास्ट, इनको वो करने देगा, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेटरल एंट्री में भी राजीव जी बड़ी चतुराई की गई है, उस पर भी सजग रहने की जरूरत है। लेटरल एंट्री एक नीति के तौर पर वापस नहीं ली गई है, केवल ये चिट्ठी वापस ली, विज्ञापन वापस लिया गया है। वो उसमें आरक्षण, टोकन आरक्षण के साथ वो वापस ला भी सकते, यानी वो कॉरपोरेट के ही माध्यम से आएगी। और उसमें भी जो संभावना है वो ये है कि लेटरल एंट्री में आरक्षित जगहें भी होंगी और सामान्य जगहें भी होंगी, सामान्य कैंडिडेट मिल जाएंगे और आरक्षित कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, वो भर्तियां खाली रहेंगी, जैसे कि लाखों भर्तियां खाली हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, वो हमेशा के लिए खाली रहेंगी। तो केवल संख्या कम होगी, लेटरल एंट्री का वो नहीं, उसके लिए रास्ता। ये भी कह सकते हैं कि चूंकि आरक्षित सीटों पर एंट्री नहीं आई है, इसलिए उसे सामान्य से हम भर देते हैं, आ गए वहीं। हाँ, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मतलब ये कि ये अभी केवल टैक्टिकल विड्रॉल है कि विरोध हो रहा था तो हमने वापस ले लिया, लेकिन वो भी कमजोरी दर्शाता है। तो और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा राजीव जी चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। हिंदू में आज के एक लेख छपा सोनिया गांधी का, और वो बहुत महत्वपूर्ण लेख है, जिसमें सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के टोकनिज्म वाले राष्ट्रवाद को जो है एक्सपोज कर दिया। और जो घर घर तिरंगा, उस पर दो बातें, एक तो पहली बात कि घर घर तिरंगा कैंपेन इस बार फ्लॉप रहा है, उसकी वो अपील नहीं रही है जैसी कि उम्मीद थी, पहली बात। दूसरी बात कि फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किए गए और उसमें
सिंथेटिक यार्न भी जोड़ा गया, यानी झंडा आप सिंथेटिक यार्न का ही बन सकता है, और वही झंडे बड़े प्लास्टिक के वो यार्न चाइना से मंगवाया गया। तो चाइना के यार्न के तिरंगे झंडे घर घर झंडे के नाम पे बिके, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, किसके पेट पर लात पड़ी, हमारे देश के बुनकरों पर, खादी पर, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था खादी। याद कीजिए कि हम लोग के स्कूल में जब हम झंडा लेने जाते थे या जब भी हम लोगों ने झंडा लिया, हम लोगों ने हमेशा गांधी आश्रम से झंडा लिया, और कहीं झंडा मिलता भी नहीं था क्योंकि झंडा खादी का ही होता था, ब्लैक कोट में था। ये बहुत महत्वपूर्ण लेख आज सोनिया गांधी का आया है, जो मोदी साहब की इस राष्ट्रवाद के जरिए चाइनीज कंपनियों को फायदा दिलाने के रास्ते को एक्सपोज करता है। ये भी लेटरल एंट्री है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में, यही हिंदुत्व की राजनीति, राजनीति की भावनात्मक मुद्दों में हिंदू मुसलमान करके आप कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाओ, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाओ, और ये नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब चल नहीं पाएगा, अब एक्सपोज हो गया। और इसीलिए आप देखिएगा कि विधानसभा के रिजल्ट के बाद चीजें बड़ी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर बदलेंगी। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आलेख की आप बात कर रहे हैं, आज हिंदू में आलेख है सोनिया गांधी का, बहुत महत्वपूर्ण आलेख।